लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी के विजयेंद्र पांडेन की अध्यक्षता में एक बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में CDO अनुज सिंह, ADM सिटी राकेश श्रीवास्तव, ADM प्रशासन डॉक्टर चतुर्भुज गुप्ता, सिटी मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी आनंद सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जनपद में 19 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव को संपन्न कराने के संबंध में चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले के सभी बूथों का स्थलीय सत्यापन कर लें, बूथों पर बिजली पानी के साथ साथ पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था तथा अन्य व्यवस्थाओं की जाँच कर लें तथा जिस बूथ पर सुविधाओं का अभाव हो उसे अतिशीघ्र पूरा कर लिया जाए, जिससे मतदान के दिन किसी भी प्रकार की दिक्कत न उठानी पड़े। जब विधानसभा का चुनाव कराया था SLTM, हम लोगों ने दोनों इकट्ठा करके फोल्डर में रख के हम लोगों ने चुनाव दफ्तर को दे दिया था, या तो लगा दिया जाता है और प्रत्येक सेक्टर मजिस्ट्रेट को हम लोग वो फाइल दे देते हैं। कम्युनिकेशन प्लान नहीं, कम्युनिकेशन प्लान की सर बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन प्लान आपके यहाँ आया है? तहसील नंबर नहीं आया, हम अपने तरफ से पूरे जनपद के जितने अधिकारी होते हैं उनका जो है एक मोबाइल नंबर देंगे, वो क्या करेगा बेचारा? उसको तो बूथ का नंबर, वहाँ के बूथ बनाने वाले लेखपाल का नंबर, दो इम्पोर्टेंट नंबर आ रहा है यार, वो जो इम्पोर्टेंट सर वो मिला ही नहीं, तो ये तो DM से बात कर लो, तो उसके बाद फिर वो वापस लौट आएगा। जब तक उसके सेक्टर मजिस्ट्रेट को आपको वो प्रफार्मे भी देने होंगे जिसको उसे रिपोर्ट देंगे, जिस भ्रमण रिपोर्ट होता है चेकलिस्ट का, उसमें ये जो है ये मेनली वही तहसील वाले ही काट पाएंगे, तो तहसील वालों को आप जो सब जो तहसीलदार हैं या तो उनको यहाँ पे बुला लीजिए या तो उनको वहीं पे इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि आपने जो रूट चार्ट दिया था रूट चार्ट में अपने यहाँ पे हर बूथ का या हर सेक्टर का एक जो कम्युनिकेशन प्लान है वो भी उसके साथ लगा दें, कम्युनिकेशन प्लान में उनको नोट करा दें कि ये वहाँ के BLO का नंबर, वहाँ के हर एक स्कूल के हेडमास्टर का नंबर, मतलब एक जो सबसे जो सीनियर टीचर है उसका नंबर, उसके बाद फिर वहाँ के बूथ बनाने वाले का नंबर, बूथ बनाने वाला मतलब लेखपाल बूथ बनाता है उसका नंबर, उसके बाद वहाँ पे पुलिस जो कंसर्निंग SHO है उसका नंबर, जो कंसर्निंग CO है उसका नंबर, SDM का नंबर, तहसीलदार का नंबर, और उसके बाद फिर उसके ऊपर डिप्टी DO का नंबर और DM साहब का नंबर, ये सब में होना चाहिए कम से कम, ठीक है? और बाकी भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे बाकी भी कुछ नोडल की लिस्ट होनी चाहिए तो वो भी उससे संबंधित जो नोडल है उसके जो सेक्टर मजिस्ट्रेट जोनल मजिस्ट्रेट के जो नोडल हैं उनका नंबर, कि अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है इतने नंबर सभी में पड़े रहने चाहिए। जी जी, ठीक है, तो ये कहिए सबको बना के उसमें करके फोल्डर बना रहे, जब एक ये तो दो दिन में बना के दे देंगे, एक तहसील एक तहसीलदारों को बुला लीजिए, सभी को सर से एक बार करवा लीजिए, उसको बना दे जाएंगे। एक तो सर फिर रूट चार्ट सर सभी का आ जाए सर सेक्टर वाइज, दूसरा सर कम्युनिकेशन प्लान आ जाए सर, उनको ये सर दिक्कत होती है कि उनके पास लेखपाल या हेडमास्टर पूरा कम्युनिकेशन प्लान नहीं रहता सर, तो कई एक बार में सर इनकी मीटिंग भी होता है उनके साथ साथ जो नोडल ऑफिसर का भी होना चाहिए, तो उनके चेकलिस्ट में ही हो जाए चाहिए तो भले, नहीं तो अलग पैम्पलेट में हो जाए, DPRO का नंबर होना चाहिए था, BSA का नंबर होना चाहिए था, और दुबा का होना चाहिए था, हेडमास्टर का, लेखपाल का, पुलिस को साथ साथ ही रहना सर, BLO को कितना रहना होता है, BLO को रहना चाहिए था, तो ये सबका सर होगा सर। और मीटिंग में सर एक सर पुलिस का भी प्रभारी है सर, पुलिस को भी इस बार बुलाए हैं, SO CO और उसके नीचे वाले भी आएंगे, वो सब लोगों के साथ ही ब्रीफिंग होगा, सब लोग का टाइप कराते हुए उन लोग को रवाना करवाना दोनों से सबमिट करेंगे, जैसे कि सर वो जो उनका मतलब भी आया कि ये बूथ सही बना नहीं है, हो सकता है सर कई बार कि वो गलत कमरा दिखाते हैं और उसकी रिपोर्ट लगा देते हैं कि उनकी बूथ होती है, जब हम बैठक में बुलाते हैं तो SDM कहते हैं नहीं साहब वो उस कमरे में बनता ही नहीं है बूथ, वो तो किसी अन्य कमरे में बनता है, तो एक बार सर SDM अपने लेवल पर वेरीफाई करके आते हैं जैसे कि यहाँ पे हमें बिल्कुल एक क्लियर रिपोर्ट मिली, ये भी ठीक है। भ्रमण करने के बाद सर सभी लोग तहसील में मीटिंग वहाँ हो जाए, तहसील में हो जाए शाम को 6 बजे या कुछ ऐसा सर अपना सभी जो सेक्टर से भ्रमण करने को SDM को बुला लें, तो वहाँ पर सर भर के देना है, उसके बाद उनको फिर सर फेजर में जब वो अपना भ्रमण करके लौटेंगे उसके अगले दिन सुबह सर उनकी यहाँ पर एक बार उन सभी रिपोर्ट पढ़ पढ़ के कि आपको उसमें क्या दिक्कत दिख रहा है क्या नहीं प्रॉब्लम है वो एक बार उनसे बात हो जाएगी, और फाइनली जब पूरा जब कंपाइल हो जाएगा तो एक बैठक फिर से सभी डिपार्टमेंट्स के साथ की ये सर उसमें दिक्कतें निकली, इतनी बूथों में बिजली नहीं था, इतनी बूथों में पानी नहीं था, उसको फिर से रेक्टिफाई कर दीजिए और उनको सर पकड़ा दीजिए।
है, हम लोग के पास वो कुंडली होना चाहिए था, बूथ में कितने वोटर हैं, महिला कितने पुरुष कितने हैं सर, सर उसका मांगे हुए हैं सर, दो तीन का आ गया है और भारत सर का पाए ये ताकि तो ऐसा नहीं तो सब बूथ बराबर है, सब बूथ में इश्यूज अलग अलग, कहीं मान लो तो वहाँ तो महिला वोटर कम होगा, सब लोग कुछ कर सकते तो उसको उसी हिसाब से एड्रेस कराना होगा।